नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24। इस समय जिला सचिवालय में खड़े हैं और बता दें एडवोकेट अनुराधा भार्गव जो कि गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश उत्सव पर जो कि पानीपत में मनाया जाना है उसको लेकर अपनी कुछ मांगे यहां पर रखती हुई नजर आ रही हैं और डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुंची हैं, जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। देखिए हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार को हमने दो ज्ञापन दिए हैं। हरियाणा सरकार से जो हमारी मांग है कि मनोहर लाल खट्टर जी जो कि आज ये समागम राज्य स्तर पर मना रहे हैं, सबसे पहले हम उनको बधाई देते हैं, आभार प्रकट करते हैं मुख्यमंत्री जी का। और साथ में पहली जो मांग है कि गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर 6ठी से 12वीं कक्षा तक एक चैप्टर लगाया जाए, जीवन परिचय लगाया जाए ताकि हमारे देश के बच्चों को पता चले कि मानवीय मूल्यों के लिए शहादत गुरु तेग बहादुर जी ने दी है, तो उन्हीं मानवीय मूल्यों को बच्चे पढ़ सके, मतलब सिलेबस में डाला जाए उनके परिचय को। जी जी, देखिए मैं तो सभी का बोलती हूँ कि 10 के 10 गुरु, बल्कि इवन महाराणा प्रताप जी का, गुरु ब्रह्मानंद जी का, सबका चैप्टर लगाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहती हूँ जी, सबका लगाया जाए। लेकिन अभी हम पर्टिकुलर अगर बात करें गुरु तेग बहादुर जी की, जिन्होंने अपने 3 वंशवार दिए, गुरु गोविंद सिंह जी, छोटे छोटे साहेबजादे, शायद हो सकता है, मैं ये कहती हूँ कि वो इतिहास की सबसे बड़ी शहादत है। शहादतें बहुत हुई हैं लेकिन एक 3 वंशवार देना भी छोटी बात नहीं थी। तो अब दूसरी बात मेरी जो है, गुरु तेग बहादुर जी के जीवन परिचय को मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए जब से नींव शुरू होती है वो अध्याय से होती है, पढ़ाई से होती है, शिक्षा से होती है। बच्चा अगर पढ़ेगा तो आज आप देखते हैं कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बच्चों के अंदर वो साहस नहीं है, बच्चों के अंदर बहादुरी नहीं है। तो उसको लेकर हम यही कहेंगे कि बच्चों के अंदर मनोबल बन सकता है, वो भी छोटे छोटे साहिबजादों की तरह निडर बन सकते हैं, गुरु तेग बहादुर जी की तरह समर्पण दे सकते हैं। आज हम अपने परिवार के लिए समर्पण नहीं देते, लेकिन अगर गुरु तेग बहादुर जी को पढ़ा जाए, गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़ा जाए, तो आज एक अच्छा बच्चा बनकर अच्छे समाज की एक कल्पना की जा सकती है। दूसरी जो हमारी हरियाणा सरकार से मांग है कि आज भी मैं देखती हूँ एक यमुनानगर साइड एक औरंगाबाद शहर है, कुछ औरंगजेब के नाम पर कुछ स्थान है आज भी हरियाणा में भी, तो मैं चाहूँगी मुख्यमंत्री जी से कि इस 400 साल प्रकाश पर्व उन चीज़ों पर संज्ञान लें, उन्हें हटा दिया जाए क्योंकि बुराइयाँ हैं। नाम बदल दिया जाए। जी, नाम बदल दिया जाए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो देखिए जिला सचिवालय है तो हम यहाँ पर भी बैठ के, ये मेरे अपने हित के लिए नहीं है। हमेशा आपने लोगों को देखा होगा कि कुछ अपने लिए यहाँ पर बैठ कर एजिटेशन करते हैं, मैं समाज हित में, राष्ट्र हित में ये एजिटेशन करने के लिए तैयार हूँ। और इसीलिए हमने पहले ही ज्ञापन दिया है कि 24 तारीख को हरियाणा सरकार द्वारा जो घोषणाएं होनी है तो उसमें वो घोषणा मुख्यमंत्री जी जरूर करें। और आप सभी बहुत अच्छा एक साधन है, आप सब बहुत डेडिकेटेड हैं करनाल की मीडिया का। मैं स्पेशल थैंक यू करना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी आपकी सभी खबरों को देखते हैं। और अभी हम 10 दिन पहले हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री जी को मिले भी, हमने उनको स्वरूप दिया, स्वरूपा दिया, और मैंने बधाई दी गुरु तेग बहादुर जी की बेटी होने के नाते, इस करनाल शहर की बेटी होने के नाते। मुख्यमंत्री जी तक ये बात मैंने पहुँचाई कि आप इन मांगों को जरूर मान लीजिए। एक गुरु तेग बहादुर जी के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, एक मेमोरियल होना चाहिए ताकि बच्चे हमारे जाकर पढ़े कि इतनी बड़ी बड़ी शहादतें जो गुरु तेग बहादुर जी ने दी है, गुरु गोविंद सिंह जी ने दी है, आज अच्छे समाज की कल्पना की जा सके। नरेंद्र मोदी जी से जो हमारी मांग है, 3 मांगे तो हमारी सेम है, चौथी जो मांग है हमारी कि औरंगाबाद शहर, औरंगजेब रोड, औरंगजेब लेन, आपको पता है शायद उसके लिए मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं, आग भी लगाई थी, केस भी अपने ऊपर लिया, लेकिन आज दुख की बात यह है कि सरकार औरंगजेब को भी चाहती है और गुरु तेग बहादुर जी को भी। अभी मुझे पता चला 15 दिन पहले कि जिस औरंगजेब लेन में मैंने आग लगाई उसी औरंगजेब को दोबारा शीशगंज गुरुद्वारा साहब के थोड़े पास में है उसको दोबारा स्थापित कर दिया गया। ये बहुत दुखद बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं अगर राष्ट्र हित में बात करती हूँ तो ये दुख का भी कारण है। नरेंद्र मोदी जी को औरंगाबाद, औरंगजेब के नामों निशान जो कि भारतवर्ष पर कलंक है, एक सच्चा मुसलमान भी उनको अपना प्रतीक नहीं मानता, तो इसलिए उनके नाम से सब कुछ हटा देना चाहिए। चौथी पांचवी जो हमारी मांग है कि देखो ये आपसे बात, हमसे बात छुपी नहीं है कि सिख समाज ने शहादतें बहुत दी है, सिख समाज ने बहुत ज़्यादा आत्म बलिदान किया है। आज अगर सहायता की बात है, मानवता की बात, तो सिख समाज सबसे पहले आता है। तो जो सिंह बंदी जो बहुत पहले, चाहे वो 1984 में हो चाहे उसके बाद के हो, जो सजा भुगत रहे हैं, जो पहली सरकारों ने किया, तो मैं नरेंद्र मोदी जी से उनकी बेटी होने के नाते अपील करना चाहती हूँ कि वो उन सिंह बंदियों को रिहा करें, क्योंकि कुछ की मैंने खुद ऑनलाइन चेक किया, उनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं जो कि अभी भी सजा भुगत रहे हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए हम राष्ट्रपिता पढ़ते हैं महात्मा गांधी जी को, लेकिन जिन्होंने अपने 3 वंशवार दिए, हमारे बच्चे आज गर्व से कहें कि हमारे राष्ट्रपिता कौन है, गुरु तेग बहादुर जी।
आज हमें गर्व हो कि हम उस देश की मिट्टी में पले हैं, उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ गुरु तेग बहादुर जी ने बिना कुछ सोचे जाति पाति भेदभाव के शहादतें दे दी। तो आज हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र हित में इन मांगों को मानना जरूरी है। देखिए, प्रकाश पर्व मनाना बहुत अच्छी बात है, करोड़ों अरबों का खर्चा सरकार फिर भी कर रही है, लेकिन इस बेटी की बात मानकर सरकार को ये मांगे मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे राष्ट्र हित में है। अगर बच्चों का विकास करना है, मानवीय मूल्यों का विकास करना है, तो ये जरूरी है। और आपसे भी यही अपील है कि आप मेरी बात जरूर पहुँचाएं सरकारों तक, ताकि ये बात सरकारों तक जाकर हमारा समाज अच्छा बन सके। मैम, बच्चों के विकास के लिए तो एक गुरु की जीवनी पढ़ाना नहीं, बल्कि सभी गुरुओं का ज्ञान बच्चों को होना चाहिए। जी, मैं तो पहले ही एक स्टेटमेंट में बोला है कि सभी गुरुओं का, चाहे वो महाराणा प्रताप जी हो, चाहे वो गुरु ब्रह्मानंद जी हो, चाहे वो परशुराम जी हो, जिन गुरुओं ने अच्छा किया उनके नाम पर चैप्टर लगाना चाहिए। और लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब से आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी, औरंगजेब को हमने पढ़ा है, अकबर को हमने पढ़ा है, लेकिन गुरुओं के बारे में खुद मैंने भी नहीं पढ़ा। मैंने भी 2 साल पहले जब पढ़ा, तभी मुझे देखिए अंदर से मेरी आत्मा झकझोर गई कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को बुलाया नहीं जा सकता। क्या ये मांग नहीं करनी चाहिए कि फिर सभी गुरुओं का, गुरु तेग बहादुर जी का भी चैप्टर ऐड हो और सभी गुरु, देखिए अभी प्रकाश पर्व चल रहा है वो जी जन जन तक, जैसे जैसे जिसका प्रकाश जी, ताकि पाश्चात्य संस्कृति से छुटकारा मिले। देखिए जिस प्रभु का, जिस भगवान का नाम चलता रहता है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हम उनके लिए आवाज़ जरूर उठाएंगे। अभी प्रकाश पर्व चल रहा है श्री गुरु तेग बहादुर जी का, तो हमारा फर्ज बनता है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर एक जीवन परिचय लगाया जाए, उनसे रिलेटेड जो समाज में राष्ट्र हित के लिए है। देखिए, राष्ट्रपिता और किसी को डिक्लेयर नहीं कर सकते, कि गुरु तेग बहादुर जी जैसी शहादत इस पूरे विश्व में, इस भारतवर्ष में नहीं दी गई। मैम, ये जानना चाहेंगे कि इतनी सरकारें आई लेकिन आज तक बच्चों की किताबों में ये नाम क्यों नहीं आए हैं? लेकिन अभी जैसे आपने मांग रखी है, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को ये जानकारी होनी भी चाहिए, लेकिन किसी भी सरकार ने जो इस पर संज्ञान नहीं लिया, कारण क्या लगता है? देखिए, हमेशा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि राजनीति करती आई है सरकार। जैसा कि मैंने कहा, उनको औरंगजेब भी चाहिए, उनको गुरु तेग बहादुर जी भी चाहिए, क्योंकि औरंगजेब वो समुदाय से जुड़ा है। लेकिन मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि इस्लाम का सच्चा प्रतीक नहीं है औरंगजेब, सच्चा मुसलमान उनको नहीं मानता औरंगजेब को। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ कि सरकारें हमेशा राजनीति करती आई हैं, लेकिन मैं खुद इस बात को नहीं कहती, लेकिन 2 साल पहले जब हमने मुहिम चलाई थी श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की तरफ से, ADC वीना हुड्डा जी को यहाँ ज्ञापन दिया गया था 1 साल पहले इस चैप्टर को लागू करने के लिए, तभी ये बात घूमती फिरती उत्तर प्रदेश पहुँची, तो योगी जी ने, आदित्यनाथ योगी जी ने साहिबजादों के ऊपर और गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर एक चैप्टर जरूर लागू किया। उत्तर प्रदेश सरकार का मैं धन्यवाद करती हूँ। साथ में संज्ञान लेते हुए नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर का जो एक दिन है वो भी मनाया। तो कहने का मतलब ये है, जब मुहिम चलती है, 2 साल पहले हमने गुरु तेग बहादुर जी की मुहिम चलाई, शायद आज गुरु तेग बहादुर जी ने कृपा की है इन सरकारों के ऊपर, आज सरकार को संज्ञान में आया, उनको सोधी आई कि कहीं ना कहीं गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाना चाहिए। हमने इसके लिए हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री जी को हरियाणा भवन में जाकर बधाई भी दी है, स्वरूप दिया है, उनको सरोपा डालकर उनको सम्मानित किया है श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की तरफ से। और श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड ऐसा नहीं है कि एक ही सामाजिक कार्य करती है, हमेशा समाज के हित में जो कार्य होगा, राष्ट्र हित में कार्य होगा। मैं तो पूरे नौजवानों से अपील करना चाहती हूँ कि आप अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ें। अगर किसी गुरु ने बहुत अच्छा कार्य किया, मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मेरे पेज को आप फॉलो भी कर सकते हैं, गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड नाम से पेज है। तो अगर किसी कोई समस्या है सामाजिक तौर पर या वो धार्मिक तौर पर, तो आप मुझसे मिल सकते हैं, जरूर मैं एक आपकी बेटी होने के नाते, भारतवर्ष की बेटी होने के नाते हमेशा सॉर्ट आउट करती आई। आपने राष्ट्रपिता का दर्जा देने की बात करी, आपको लगता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा मिला हुआ है, क्या इनको भी राष्ट्रपिता का दर्जा आप जिस प्रकार से मांग कर रहे हैं मिल जाएगा? देखिए, संवैधानिक तौर पर तो मैंने पता किया है कि अभी नहीं दिया गया महात्मा गांधी को भी, उसको सिर्फ राष्ट्रपिता ही कहते हैं। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि एक चरखा चलाकर आज़ादी जीतना, अगर उनको हम राष्ट्रपिता का सम्मान दें, तो हमारे लिए कहाँ सही। क्या महात्मा गांधी ने सिर्फ चरखा ही चलाया ना? बिल्कुल, उन्होंने देखो किस तरीके, मैं उनकी फिलॉसफी को फॉलो नहीं करती, क्योंकि अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए हम राष्ट्रपिता घोषित किए। बहुत अच्छे काम किए, मैं ये नहीं कहती किसी को, लेकिन मैं जिनको फॉलो करती हूँ वो हमारे महापुरुष हैं, गुरु तेग बहादुर जी, बहुत सारे महापुरुष हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ, जिनकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, और हमारे रगों में, हमारे जो अपनी सांसें हैं उनमें भी गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद है, गुरु गोविंद सिंह जी का है, हमारे में भी परशुराम जी के वंशज हैं, हमारे अंदर भी वही खून दौड़ रहा है। तो हम अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकते हैं। आज अगर हम, गुरु तेग बहादुर जी ने भक्ति का मार्ग दिखाया, मैं भक्ति के मार्ग पर हूं, तो शक्ति का मार्ग भी दिखा सकते हैं। इसलिए 2 दिन पहले ज्ञापन दिया कि केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी तक मेरी बात पहुंचे, अगर वो 21 तारीख को ऐसी घोषणाएं नहीं करते, ये भी मैं ऐलान कर देती हूं कि जंतर मंतर पर
उनकी बेटी जरूर अनशन करेगी और जरूर बड़े पद पर वहाँ पर जाकर एक एजिटेशन करेंगे कि इन गुरुओं का एक सिलेबस जरूर लगाया जाए। और भी गुरुओं ने जो शहादतें दी हैं, मैं सरकार से अपील करूँगी कि हम मुगल शासकों को, क्रूर आक्रांताओं को ना पढ़ें, आप उनके चैप्टर लगाओ, बहुत अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं उनके चैप्टर लगाओ, भक्त रविदास जी का लगाओ, कबीरदास जी का लगाओ। अगर आपने इस्लाम से लगाने, पीर बुद्धू शाह जी हैं, साई मियां मीर जी हैं, आप उनका लगाओ, शहादतें हुई हैं उनके नाम से बोर्ड लगाओ। ईरान इराक में अगर देखते हो तो बहुत अच्छे अच्छे मतलब एक सड़कों के नाम महापुरुषों के नाम पे, लेकिन अगर भारतवर्ष की बात की जाए, दिल्ली जिसको राजधानी कहते हैं, भारतवर्ष का दिल है, अगर वहाँ आप जाएँ तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सारे ही मुगल शासकों के जिन्होंने हमारे ऊपर आज तक राज किया है, जिनके लिए हमारे भाई भगत सिंह शहादत दे गए, जिनके लिए राजगुरु बिस्मिल सुखदेव, इतनी बड़ी बड़ी शहादतें हुई हैं, लेकिन आज उनका नाम नहीं है आज अगर देखा जाए। दूसरी बात, मानव अधिकारों का जो गठन किया, मानव अधिकार हमें दिलाए गुरु तेग बहादुर जी ने, भारतवर्ष को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाना चाहिए। हम छुट्टी की मांग नहीं करते, क्योंकि देखिए भारतवर्ष में ऑलरेडी बहुत छुट्टियां हैं जिसके कारण आज भारतवर्ष पिछड़ गया है। हर एक समुदाय खड़ा होता है कि आज हमारे भगवान के नाम पर छुट्टियां, छुट्टियां होने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसको मानव अधिकार दिवस के रूप में 1 मई को, उनका गुरु तेग बहादुर जी का जन्म दिवस होता है, आप 1 मई को मानव अधिकार दिवस के रूप में उसको मनाएं, पढ़ाएं बच्चों को कि आज मानव अधिकार दिवस है, जिन मानव अधिकारों की रक्षा के लिए शहादत हुई है। आप आज पत्रकार हैं, आप स्वतंत्र हैं, वो श्रेय गुरु तेग बहादुर जी को जाता है। हम आज यहाँ खड़े हैं, सांस ले रहे हैं, वो गुरु तेग बहादुर जी को जाता है। आपको लगता है, आपने अभी एक बात बोली कि महात्मा गांधी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाए, क्या आपको लगता है ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है? देखिए, राष्ट्रपिता के लेवल का कार्य अगर किया है तो वो मैं बिल्कुल आपके सामने ऑन कैमरा कहती हूँ, गुरु तेग बहादुर जी ने किया है। बहुत सारे काम लोगों ने किया, लेकिन सबको राष्ट्रपिता का सम्मान बड़े भाई नहीं हम दे सकते, तो इसलिए राष्ट्रपिता का सम्मान गुरु तेग बहादुर जी का बनता है, वो भी संवैधानिक तौर पर। संवैधानिक तौर पर तो अभी महात्मा गांधी का भी नहीं है, हालांकि सरकारें भी उनकी रही हैं, लेकिन अगर संवैधानिक तौर पर हम बात करें, लॉ एंड ऑर्डर से बात करें, दलील से बात करें, तो गुरु तेग बहादुर जी का ही अधिकार है। और आज बच्चे गर्व से तौर पे बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नहीं बनता अधिकार? देखिए, भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, आज हम जो जितने स्वतंत्र हैं, मैं नमन करती हूँ भीमराव अम्बेडकर जी को कि आज मैं अगर एडवोकेट भी हूँ तो भीमराव अम्बेडकर जी के कारण हूँ, उन्होंने जो हमें सिद्धांत दिए हैं, उन्होंने जो संविधान बनाया उसके कारण स्वतंत्रता है। लेकिन अगर शहादतों की बात करें बड़े भाई, तो वो गुरु तेग बहादुर जी का अधिकार बनता है। भीमराव अम्बेडकर जी को मैं अपने बड़े भाई के समान मानती हूँ, बहुत श्रद्धा है मेरी भीमराव अम्बेडकर जी में, क्योंकि ये जो भीमराव अम्बेडकर जी ने आज संविधान लिखा है, शायद उसके कारण हम स्वतंत्र हैं। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी राष्ट्रपिता का संवैधानिक अधिकार उनका है, और हमारे जैसे आप जैसे बच्चे भी यही चाहेंगे कि उनका संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपिता घोषित किया जाए। सर, क्या कहना चाहेंगे आप आज यहाँ पर पहुँचे हैं ज्ञापन देने के लिए? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। केंद्र ते राज्य सरकारां दे द्वारा जो गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश पुरब बड़े हर्षोल्लास के नाल मनाया जा रहा है, असी अज इत्थे डीसी साहब नूं ज्ञापन देने वास्ते पहुँचे सी, जिहदा वेरवा आप जी नूं बीबी अनुराधा भार्गव जी ने विस्थार दे नाल दस्सिया। सो साडा यह मनना है कि प्रकाश पुरब मनाने दे नाल समाज सुधार नहीं हो सकता जदों तक असी अपने महापुरशां दे जिहड़े विचारधारा है, जो उन्हां दा सिद्धांत है, उस नूं असी अपनी संगत दे विच जन जन तक, साढ़े नौजवानों तक कोई सिद्धांत नहीं पहुँचेगा, विचारधारा नहीं पहुँचेगी, तो असी साढ़े ये मनाए हुए जिहड़े पर्व ने कितना कितना काफ़ी ने। इस करके साडी कोशिश है, साडा असी ज्ञापन दिता है कि जो सरकारां ने जो गुरु तेग बहादुर साहब जी का जो 400 साल प्रकाश पुरब है, उस प्रकाश पुरब के उत्ते सरकार सही निर्णय लेंदे हुए जो साडियां 4 मंगा ने स्टेट के वास्ते, 6 मंगा ने साडियां केंद्र के वास्ते, उन्हां मंगा दे वल ध्यान देवे जो कि भारत के राष्ट्र हित वास्ते ने। तो अनुराधा भार्गव जी से ये जानकारी भी लेते हैं, मैम क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने एक मुहिम चलाई हुई है पिछले काफ़ी समय से, आपको क्या लगता है क्या इसी को लेकर जो है अब सरकार भी जो है कहीं ना कहीं, जैसे आपकी मांग है कि बच्चों की किताबों में जो है सभी गुरुओं के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में होना चाहिए, आपको क्या लगता है अब सरकार भी धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते हुए, जैसे पानीपत में अब जो है 400 प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहीं ना कहीं आपकी मुहिम जो है कोई रंग ला रही है, आपको कैसा लगता है? देखिए, श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड ने 2 साल पहले मुहिम चलाई थी और आज उसी वही रंग ला रही है कि आज केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार बहुत बड़े लेवल पर आज गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मना रही है। और ये श्रेय मैं खुद नहीं लेना चाहती, क्योंकि देखिए गुरु तेग बहादुर जी की बेटी होने के नाते ये श्रेय मैं गुरु तेग बहादुर जी को देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर कृपा की और आज यहाँ तक कि केंद्र सरकार तक बहुत बड़े लेवल पर गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मना रहा है, तो मैं ये श्रेय गुरु तेग बहादुर जी को देना चाहूँगी। जी जी जी। तो आपसे अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिलहाल डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए अनुराधा भार्गव यहाँ पहुँची थी और उनका कहना है कि हमारे जितने भी गुरु हैं उन सभी की जीवनी किताबों में, बच्चों की किताबों में भी होनी चाहिए,
चाहे हम उनके प्रकाश उत्सव मनाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं या अनेक जगहों पर हम लंगर खाते हैं, लेकिन यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती है। जो उनकी जीवनी है, जो उससे जुड़ी जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो बच्चों को पता होना चाहिए। हमारे समाज के जो आने वाले जो युवा हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, उसे हमेशा ये ज्ञात रहे कि क्या कुछ हुआ था हमारी हिस्ट्री के अंदर। क्योंकि बड़े बड़े जो राजा हैं, अगर हम बात कर लें, कोई भी ऐसे लोग हैं जिनकी हिस्ट्री में आपने सोशल स्टडी के अंदर पढ़ा होगा, बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं हमारे इतिहास की, उसके अंदर फिलहाल ये नाम कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, जिसको लेकर एक मुहिम को आगे शुरू करते हैं। उन राधा भार्गव अभी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपसे प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जाएँ। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।